भारत के संसदीय इतिहास में यह तीसरा मौका है जब लोकसभा स्पीकर को लेकर के चुनाव होगा। एनडीए गठबंधन की ओर से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनाने की तैयारी है, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए 8 बार सांसद के सुरेश को प्रत्याशी बनाया है और इसी बात को लेकर अब जंग भी छिड़ चुकी है। अगर बात ओम बिरला और के सुरेश की करें तो ओम बिरला बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, तो के सुरेश केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। ओम बिरला 2019 में भी स्पीकर बने थे, तो के सुरेश 2012 से 2014 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बन सकते हैं, तो के सुरेश 1979 में पहली बार सांसद बने और ओम बिरला कोटा के बूंदी से 3 बार के सांसद हैं। तो के सुरेश केरल के मवेलीकारा से 8 बार के सांसद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुमत का नंबर ओम बिरला के पास है, जबकि के सुरेश को विपक्ष ने इसलिए मैदान में उतारा ताकि बीजेपी को मैसेज दिया जा सके। और इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। लोकतंत्र के मंदिर का स्पीकर कौन होगा? किसके आदेश के बिना लोकसभा में पत्ता भी नहीं हिल सकेगा, इसका इंतजार एनडीए के साथ पूरे इंडिया गठबंधन को है, क्योंकि इस बार हर बार की तरह सर्वसम्मति से स्पीकर नहीं चुना गया है और चुनाव के जरिए इसका फैसला किया जाएगा। बताइए, आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम सहमति नहीं बनी। सत्ता पक्ष ने ओम बिरला को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष ने के सुरेश को इस पोस्ट के लिए अपने प्रत्याशी बनाया है। ओम बिरला बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, के सुरेश केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। ओम बिरला 2019 में भी स्पीकर बने थे। के सुरेश 2012 से 14 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बन सकते हैं। के सुरेश 1989 में पहली बार सांसद बने। स्पीकर पद के लिए दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, यानी अब लोकसभा स्पीकर के लिए कल वोटिंग होनी है। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है, तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। यहाँ तक खारगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। यहाँ तक खारगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। दरअसल विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद की डिमांड कर रहा था और इसी के बाद ये तकरार भी शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा है, हालांकि बहुत साफ तौर पर एनडीए के साथ है। पर इस पूरी तकरार के बीच सवाल ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच सदन की पहली टक्कर किसका होगा डिप्टी स्पीकर? कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स हम लोग सब थे वहाँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि आप डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से
तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नहीं तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। यानी अब सारा खेल नंबर का है, क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव के परिणाम एनडीए के पक्ष में आए हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीर लोकसभा स्पीकर के चुनाव की देखने वाली है। इसके बावजूद बिना लड़े विपक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है। मोदी के साथ 293 सांसदों का दम है, तो राहुल गांधी के साथ 233 सांसद है और अदर 16 सांसद फिलहाल किसी के साथ नहीं है। अब एनडीए और इंडिया गठबंधन की नजर उन 16 निर्दलीय सांसदों पर है जो एनडीए को 300 पार और विपक्षी गठबंधन को मुकाबले में बनाए रख सकते हैं, जो बेहद ही रोचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इन सब के बीच स्पीकर चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में INDIA के फ्लोर लीडर्स की बड़ी बैठक हो रखी है। स्पीकर चुनाव से पहले खड़गे के घर ये मीटिंग। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा हो रही है। इंडिया के नेता बैठक में मौजूद हैं। खास बात यह है कि इस बैठक में TMC सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और कल्याण बनर्जी भी पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त